करो, सॉल्व करने की कोशिश करो. इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए सर्टेन रीजन, अब इससे पहले वाला क्वेश्चन किए थे हम, उसमें क्या दिया था बोलो, पोटेंशियल दिया था. एक मैंने रीजन बना लिया, ये मेरा रीजन है, मुझे नहीं पता कैसा रीजन है, ये मैंने रीजन बना लिया. इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और रेडियली आउटवर्ड है, तो जो रीजन है रेडियली आउटवर्ड है, तो थोड़ा सा ढंग का. तो यहाँ रेडियली आउटवर्ड मतलब क्या होता है, अगर ये पॉइंट P है तो इससे फील्ड इस तरह से कोर्स रेडियली आउटवर्ड जा रही है, दिस इज द सोर्स ऑफ द फील्ड, और ऐसे कुछ रेडियली आउटवर्ड जा रही है, इसको बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड. यहाँ पर जो फील्ड है प्यारे बच्चों, वो ए आर का रिलेशन है. ए क्या है, ए कोई पॉजिटिव कॉन्स्टेंट है, क्योंकि फील्ड रेडियली आउटवर्ड है, और ए चार्ज आर जो है डिस्टेंस है फील्ड का सोर्स से. अब क्या हुआ, देखो कहानी आगे हुआ. ये चार्ज कंटेन इन ए स्पीयर ऑफ रेडियस आर, इस रीजन में एक स्पीयर बनाता हूं मैं जिसकी रेडियस ए हो और उस स्पीयर का सेंटर एट द ओरिजिन ऑफ फील्ड हो. तो यहां पर मैं ओरिजिन कंसीडर कर लिया हूं और ये मैंने स्पीयर बना दिया. ये सर्कल नहीं है, ध्यान देना, ये एक स्पीयर है, सरफेस से ढका हुआ है, ठीक है, अंदर चार्ज आया होगा. तो ये मैंने ए रेडियस का एक स्पीयर बना दिया जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है, और फील्ड एक वेरिएबल है जो इस रिलेशन से दिया हुआ, आर कोई जनरल डिस्टेंस है, बराबर है. चलो, तो अब ये कहता है कि ये जो आप स्पीयर जनरेट किए हो, इस स्पीयर में कितना चार्ज आया होगा वो हमें निकालना है, चार्ज इन द स्पीयर. तो किसी क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज कैसे निकालते हैं, क्लोज होना जरूरी है यार, गॉस थ्योरम लगाते हैं, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है. अब ये किसी भी सेल्फ साइज का हो सकता है, जैसे हम रूम है, चारों तरफ से रूम बंद कर दो, तो ये है क्यूबॉइड गॉसियन सरफेस हो गया, ये बंद सरफेस है, क्लोज है अंदर से. तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे सरफेस के, इस सरफेस के लिए इसके अंदर कुछ चार्ज आया होगा, और इस पे मैं गॉस थ्योरम लगा देता हूँ, तो नेट फ्लक्स फाई नेट इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसके अंदर टोटल चार्ज आया क्यू और एप्सिलॉन नॉट, बराबर है. अब फ्लक्स, अगर फील्ड फ्लक्स ई डॉट ए है, कांस्टेंट फील्ड के लिए मैं किसी पॉइंट पे ई डॉट ए कंसीडर कर लेता हूँ, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब ई ए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. अब यहाँ से आपको देखना है कि अगर ये पॉइंट है तो एरिया वेक्टर भी बाहर जाएगा और फील्ड भी रेडियली बाहर जाएगा, तो थीटा आ गया जीरो. तो अगर थीटा जीरो आ गया तो ये आ जाएगा ई और ए, इसका एरिया, एरिया इसका कितना आ जाएगा, फोर पाई ए स्क्वायर और ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो जो फाइनली है वो, अब इस पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए E की वैल्यू डालो. हमें पता है कि E, जब R की वैल्यू जीरो थी तो फील्ड जीरो थी यार, यहाँ पे ये एक जनरल डिस्टेंस पे R फील्ड भी. तो अभी इस सिचुएशन के लिए लगाऊं तो स्मॉल R की वैल्यू A के बराबर हो गई, तो यहाँ पर जो फील्ड है इसके सरफेस पे, यहाँ पर जो फील्ड है वो आ जाएगी कैपिटल A स्मॉल A के इक्वल आ जाएगा. मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर मैं वैल्यू डालता हूँ कैपिटल ए स्मॉल ए और फोर पाई ए स्क्वायर अपॉन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो फाइनली इसके अंदर जो चार्ज मुझे दिखेगा वो आ जाएगा फोर पाई कैपिटल ए एप्सिलॉन नॉट ए की पावर क्यू, है ना, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ए की पावर क्यू, दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन. तो 4 पाई ए एप्सिलॉन नॉट ए की पावर क्यू, ए ऑप्शन सही है, बाकी सारे गलत है.